बेशक केजरीवाल जी ने मेंशन की ऑर्डिनेंस का, बाकी को गंगा जमुना तहजीब को कैसे बचाना है इसके अलावा और कोई बात नहीं। फेस होगा ना, एक नहीं कई फेसेस हैं आपके सामने, कई फेसेस हैं और फेसेस जो है वो लोग चुनते हैं। कल को एश्योरेंस देने वाले नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बेशक केजरीवाल जी ने मेंशन की ऑर्डिनेंस का, बाकी किसी ने यूनिटी आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी के हिंदुस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को कैसे बचाना है इसके अलावा और कोई बात नहीं। ऐसा वैसे कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो अलग अलग, आपने देखा कि उदय ठाकरे जी और हम एक जान बैठे थे, क्या बैठ सकते हैं, कभी सोच सकते हैं? और इसी आइडिया ऑफ इंडिया को कि जहाँ डाइवर्सिटी, जहाँ अकोमोडेशन हो, एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सके, दैट इज व्हाट आइडिया ऑफ इंडिया है, उसी को हम बचाना चाहते हैं। जब अपोजिशन इतनी बड़ी अपोजिशन जिसने मोर देन 60% वोट लिया है अलग अलग करके, जब वो इकट्ठे हो जाती है तो कोई भी लीडर बन सकता है? तो मोदी के सामने कोई फेस होगा ना? एक नहीं कई फेसेस हैं आपके सामने, कई फेसेस हैं और फेसेस जो है वो लोग चुनते हैं। जब कल को लोग अपोजिशन को अगर इकट्ठे हो जाते हैं, 60% से ज्यादा वोट है अपोजिशन का, कौन सी बड़ी बात है, फेस तो खुद ही बन जाएगा। इसके बाद जब बैठक होगी तो लीड कौन करेगा, क्योंकि इसके पहले तो नीतीश कुमार कर चुके हैं, अगली बैठक में कौन लीड कर रहा है? नहीं वो तो देखिए ना, वो तो मेरे, मुझे तो नहीं मालूम, वो तो नीटी ग्रिटीज आपस में डिस्कस करके बात होगी, वो तो अभी से हम नहीं बता। वन क्वेश्चन Would you be seeking any assurance from the other opposition parties in terms of restoration of Article 370 in the event of an opposition coalition coming to power? अभी तो हम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तो हम idea of India, India को, इस मुल्क की संविधान को बचाने, जब संविधान बचेगा तो जो 370 है वो भी संविधान का हिस्सा है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क के संविधान, डेमोक्रेसी, आपको पता है कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको पता है 5 अगस्त 2019 को एक नहीं दो नहीं तीन तीन चीफ मिनिस्टरों को बंद किया गया। आप कोई एश्योरेंस लेंगे इनसे कि? नहीं हम कोई एश्योरेंस लेने वाले नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप लोग गठबंधन कर रही हैं मैम, तो क्या आपकी जब सरकार अगर बनती है तो 370 फिर से लागू करेंगे जम्मू कश्मीर? देखिए मैं कह रही हूँ कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हमने, ये किसी को, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कौल हो या विजय लक्ष्मी जा हो, उनके केसेस में हमेशा ये डिसीजन दिया है कि आप 370 को नहीं हटा सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की आपको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, अब इन्होंने बुलडोज किया, इन्होंने गलत किया, तो उसको हम कैसे सही माने? ठीक है मैम, सही नहीं माने, लेकिन अगर आप नहीं, मैं कह रही हूँ गठबंधन की सरकार, मैं कह रही हूँ मुझे पता है आप क्या, आप शाम को बहस जाते हैं 9 बजे, आई नो व्हाट यू वांट, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉल इनटू दैट ट्रैप, आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मोदी जी से बात करता भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है उसको लेकर, आप क्या सोचती है स्टेटमेंट? मैं तो कह रही हूँ गांधी का मुल्क है, जो हमारी इज्जत होती है बाहर के मुल्कों में, वो इसलिए होती है, हम एक सॉफ्ट पावर है जिसको नेहरू ने बनाया, गांधी ने बनाया, अम्बेडकर ने बनाया। तो आज अगर हमारे मुल्क के अंदर जो एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा हो, लिंच किया जाता हो, मकाने दुकानों से निकाला जाता हो, और बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के, बड़े बड़े मंच से मुसलमानों को धमकियां देते हैं, इनका बायकॉट करो, उसका मैसेज तो गांधी के मुल्क से बाहर अच्छा नहीं जाता है। लोग तो बातें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?